सीरियल साथ निभाना साथिया के अपकमिंग एपिसोड में गौरा ने कोकिला को वार्न किया है कि वो मीरा और विद्या में से किसी एक की बलि चढ़ा के ही रहेगी। इस प्लान द्वारा गौरा कोकिला के लिए षड्यंत्र रचाएगी जिसमें बेचारी कोकिला फंस जाएगी। तो आइए आपको इस शो के सेट पर ले चलते हैं जहां गौरा की वजह से अब कोकिला की जान खतरे में आ जाएगी। टेलीविजन के मोर अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। तुम्हारी दादी ने तो मुझे बलि चढ़ा दी। एक मिनट थोड़ा यहां रहो ना यार। तुम तुम्हारी दादी की वजह से ये बोला बोला माता रानी हाथ जोड़ दीजिए। माता रानी इस वक्त ओके। तो कोकिला जी आपकी जो सहेली है गौरा वो चालों पे चारे चल रही है मोदी परिवार के खिलाफ, तो इस बार कौन सी नई चाल चल रही है? देखिए हम कहते हैं ना कि चालबाज चाल चलने से बाज नहीं आते हैं, तो ये मेरे लिए कोई नवीन बात नहीं है कि गौरा चाल पर चाल खेले जा रही है। मेरे लिए सबसे अहम बात है मेरी पोतियों का यानी विद्या और मीरा की सुरक्षितता, और कहीं ना कहीं अब मैं गौरा की दुष्टता को बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ और वो बलि देना चाहती थी मूक पशु का बकरी का, मैंने उसे रोक लिया था और उसे सबक सिखाया, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही बुरी तरह से बिफर चुकी है और अब वो जान लेने पर आमदा आन पड़ी हुई है और मैं उसे किसी भी कीमत में कामयाब नहीं होने दूंगी। तो उसी सिलसिले में हम विसर्जन तक पहुंच गए हैं क्योंकि गौरा ने ये कह दिया है कि वो मैंने उसे बकरी की बलि नहीं चढ़ाने दी, तो अब वो विद्या और मीरा दोनों में से किसी की भी बलि देगी और ये तो आप जानते ही हैं मेरे प्यारे दर्शक कि मैं कभी होने नहीं दूंगी। तो बस इसी सिलसिले में यहाँ पहुँच गई हूँ और ये अवश्य कहूँगी कलयुग है, अंतिम चरण पर है कलयुग और गौरा जैसे दुष्ट लोग भी इस युग के प्रतिनिधित्व करते हैं और कहीं ना कहीं अब बस पाप का घड़ा भर गया है, अब छोड़ूंगी नहीं गौरा को, माँ जगदम्बे की सौगंध, जान से मार दूंगी उसको। ओके, तो फिर अभी मीरा और विद्या के बलि तो चढ़ने आप देंगे नहीं क्योंकि आपकी प्यारी पोतियां हैं वो, तो इन सब के बीच में आपको संदूक में डाल के क्यों मारने? अब देखिए हम कहते हैं ना कि जब दुष्ट होते हैं जो नराधम होते हैं और जो मानवता की दृष्टि से बहुत ही नीचे हद तक गिर चुके हैं उनके लिए ईमान धर्म इंसानियत ये चीज़ कोई मायने नहीं रखती, ये शब्द भी उनकी डिक्शनरी में नहीं है। तो कहीं ना कहीं गौरा ने गुंडों के द्वारा मुझे फिर से विश्वासघात मेरे साथ किया, धोखा किया है और सर पे वार करके पीठ के पीछे वार करके मुझे बेहोश करके संदूक में डाल के पानी में डाल दिया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि मारने वाले के दो हाथ होते हैं, बचाने वाले के हजार हाथ होते हैं। कोकी का बाल भी बाका नहीं होगा इतना अवश्य कहूँगा।